हेलो एवरीवन वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट आज हमारी नेटवर्किंग की थर्ड क्लास है जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टू क्लास नहीं देखी प्लीज़ उन क्लासेस को पहले देखें फर्स्ट क्लास में हमने नेटवर्किंग के बेसिक्स करवाए हैं नेटवर्किंग होता क्या है उसकी डेफिनेशन की है और नेटवर्किंग के कुछ की पॉइंट्स किए हैं सेकेंड क्लास में हमने नेटवर्किंग की लैन वैन और मैन को डिटेल में आ, स्टडी की है उसमें हमने टोपोलॉजीज के बारे में भी स्टडी की है राइट और ये हमारी आज नेटवर्किंग की थर्ड क्लास है जिसमें हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर राइट और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको वीडियोस की मिलती रहें राइट right? आज हम स्टार्ट करते हैं लैन वैन और मैन के डिफरेंसेस के साथ हमने पिछली क्लास में डिफरेंसेस नहीं किए थे आज हम इनके बारे में डिफरेंस करेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस मेनली होता क्या है लैन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क वैन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क मैन इज मेट्रोपोलिटिन एरिया नेटवर्क राइट right? ये फुल फॉर्म साइंस की ऑनरशिप ऑफ नेटवर्क क्या है लैन में हमारा प्राइवेट है वैन में और मैन में प्राइवेट और पब्लिक बोथ है राइट right? जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड लैन में क्या है स्मॉल है वैन में और वैन में है वेरी लार्ज और मैन में है मॉडरेट मतलब सबसे कम एरिया किस में होता है लैन में फिर उससे थोड़ा ज़्यादा किस में होता है मैन में फिर उससे ज़्यादा किस में होता है वैन में मतलब वैन में हमारा काफ़ी बड़ा एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर होता है राइट डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस में जो लैन है काफ़ी इजी है उसे डिज़ाइन करना उसे मेंटेन करना वैन और मैन नॉट ईजी है ईजी नहीं है इन्हें मेंटेन करना या इन्हें डिज़ाइन करना राइट right? अब आता है हमारा कम्युनिकेशन मीडियम कम्युनिकेशन मीडियम में हम लैन जो हमारा कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ तो हमारा लैन में क्या यूज़ होते हैं कोएक्सिल केबल वैन पी और सेटेलाइट लिंक्स मैन में होते हैं कोएक्सिल केबल पी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वायरलेस राइट देन आता है लैन में हमारी बैंडविर्थ कैसी होती है लो होती है लो बैंडविर्थ वैन में हमारी हाई होती है मैन में होती है मॉडरेट राइट right? ये हमारा जो बैंडविड्थ है ये किसे कंपेयर करते हैं ज्योग्राफिकल एरिया कवर से अगर लैन में हमारा स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया है तो हमारी बैंडविड्थ लैन में हमारी लो होएगी वैन में वेरी लार्ज है हमारा ज्योग्राफिकल एरिया तो बैंडविड्थ हमारी हाई होएगी मैन में जियोग्राफिकल एरिया मॉडरेट है तो बैंडविड हमारी मैन में कैसी होएगी मॉडरेट होएगी राइट देन आता है डाटा रेट्स मतलब स्पीड स्पीड कैसी है लैन की क्योंकि छोटे एरिया पे कम एरिया पे वो फैले होते हैं हमारे कंप्यूटर्स ठीक है स्प्रेड होते हैं तो इस करके उसकी जो डाटा रेट है स्पीड है हमारी लैन की हाई होती है राइट मैन में क्योंकि काफी वाइड एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर स्प्रेड होते हैं तो इस करके उसकी जो डाटा रेट स्पीड होती है वो लो होती है और मैन में मॉडरेट होती है राइट आज, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है सबसे पहले हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है ये डिज़ाइन होता है कंप्यूटर नेटवर्क का जो कंप्यूटर्स हैं जितने भी कंप्यूटर्स हैं सारे कंप्यूटर्स पूरे नेटवर्क में ऑर्गेनाइज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर राइट right? कितने सारे कंप्यूटर्स के कंप्यूटर्स कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं कैसे कनेक्ट हैं अगर आपस में कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं तो उसके एडवांटेज क्या होंगी मैक्सिमम एडवांटेज क्या होगा कंप्यूटर को नेटवर्क को कैस क्या क्या नेटवर्क एडवांटेज होएंगी रिस्पॉन्स टाइम होएगा ठीक है बेटर रिस्पॉन्स टाइम होएगा सिक्योरिटी होएगी स्केलेबिलिटी होएगी राइट right? देन हमारे पास आता है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर के टू मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर कौन कौन से पी टू पी एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वट इज़ पी टू पी पी टू पी होता क्या है पीयर टू पीयर राइट एंड सेकेंड वन इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर राइट देन आता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हर एक कंप्यूटर computer, सारे कंप्यूटर्स हर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हैं नेटवर्क में राइट right? यानी कि ऑल द कंप्यूटर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क आर कनेक्टेड विद एवरी अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क उसे क्या कहते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर राइट एवरी कंप्यूटर इन अ नेटवर्क क्या यूज़ करते हैं सेम रिसोर्सेज एज अदर कंप्यूटर्स जो एक कंप्यूटर के पास रिसोर्स है वही दूसरे के पास होएगा वही तीसरे के पास होएगा इसमें कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता जो सर्वर इसे एक्ट करे किसमें पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में यानी कि ऑल द कंप्यूटर्स इन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इज क्लाइंट क्लाइंट की तरह ये सर्व करते हैं कंप्यूटर राइट देन एडवांटेजेस क्या है ये लेस कॉस्टली है क्योंकि इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता राइट सेकेंड एडवांटेज क्या है अगर कंप्यूटर फेल हो गया कोई भी तो जितने भी दूसरे कंप्यूटर्स हैं ऑल अदर कंप्यूटर्स जितने भी हैं नेटवर्क में वो उनका उनको कोई अफेक्ट नहीं होएगा ये इसका मेन एडवांटेज है राइट right. इंस्टॉलेशन क्या क्या होती है हमारे पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में क्वाइट इजी होती है एज ईच कंप्यूटर मैनेजेस इट्सल्फ हर एक कंप्यूटर अपने आप ही मैनेज करता है अपने आप ही मैनेज करता है राइट right? देन आते हैं डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेज disadvantage क्या है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर की ईच कंप्यूटर हैज़ टू टेक द बैकअप रादर देन सेंट्रल कंप्यूटर मतलब हर इसमें क्या है कि हर एक कंप्यूटर को बैकअप लेना जरूरी है इसमें क्योंकि इसमें सेंट्रल कंप्यूटर नहीं है हर एक कंप्यूटर को अपना बैकअप uh, लेना जरूरी है ये इसका डिसएडवांटेज है राइट right? स्केलेबिलिटी का भी इशू है इसमें डिसएडवांटेज है इसका पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का राइट right? अब आ सेकेंड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है हमने पीयर टू पीयर कंप्लीट कर लिया कि क्या होता है उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस राइट right? अब नेक्स्ट आर्किटेक्चर आता है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में होता है मेन हमारा एक सर्वर होता है बाकी सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक्ट किसके थ्रू किसके थ्रू एक्ट करते हैं क्लाइंट के थ्रू मतलब ऑल अदर कंप्यूटर्स क्या होते हैं हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो भी इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट है अगर दूसरे क्लाइंट को इंफॉर्मेशन सेंड करनी है या उससे रिसीव करनी है कोई भी इंफॉर्मेशन तो सबसे पहले जो क्लाइंट है वो इंफॉर्मेशन सर्वर के पास जाएगी फिर सर्वर वही इंफॉर्मेशन जिस क्लाइंट को वो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो आ, क्लाइंट उस सर्वर से वो इंफॉर्मेशन लेगा राइट क्लाइंट टू क्लाइंट का इसमें डायरेक्ट लिंक नहीं है सबसे पहले सर्वर के पास जाएगी इंफॉर्मेशन फिर उसके पास क्लाइंट के पास जाएगी इंफॉर्मेशन देर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन दी क्लाइंट टू क्लाइंट देर इज डायरेक्ट लिंक बिटवीन द सर्वर एंड देन द्लाइंट देयर फोर इसमें जो हमारा सर्वर है ये एक्ट्स लाइक ए हब कि इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ये हमारी डिटेल एक्सप्लेनेशन है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की राइट right? ये हमने डिटेल में लिखा हुआ है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक्टरसाइजेज सर्व एंड सर्व ऑल द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर्स राइट देन ऑल कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू द सर्वर कंप्यूटर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इफ़ अ क्लाइंट कंप्यूटर वांट्स टू शेयर डाटा विद अदर क्लाइंट कंप्यूटर देन इट हैज़ टू सेंड द डाटा टू द सर्वर फर्स्ट पहले वो सर्वर के पास डाटा सेंड करेगा देन सर्वर सेंड करेगा डाटा टू अदर क्लाइंट जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था राइट right? देन आते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस क्या हैं डाटा बैकअप इज़ इजी एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव राइट परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है एज द रिस्पॉन्स टाइम थर्ड सिक्योरिटी इज़ बेटर एज अनऑथोराइज एक्सेस स्केलेबिलिटी इज़ नॉट एन इशू स्केलेबिलिटी इसका इशू नहीं है ये क्या है एडवांटेजेस है, right? हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की राइट देन आता है डिसएडवानजेज़ ऑफ़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर डिसएडवाटेज़ क्या हैं इन केस ऑफ सर्वर फेलियर अगर हमारा सर्वर ही फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क ही डाउन हो जाएगा राइट सर्वर मैंटेनेंस कॉस्ट इज हाई इसमें सर्वर मैंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है हाई होती है अगर कॉस्ट हाई होएगी तो सर्वर को काफ़ी रिसोर्स रिसोर्स की जरूरत होएगी टू हैंडल मैनी क्लाइ कलाइंट रिक्वेस्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए तो ये भी इसका डिसएडवाटेज हो गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का राइट लेट सॉल्व फॉर टुडे आज हमने कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर एक्सप्लेन किया है जिसमें हमने पीयर टू पीयर किया है सेकेंड वन किया है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर दोनों के एडवांटेजेस एंड दोनों के डिसएडवांटेजेस राइट right? अगर आप किसी को इस वीडियो में कोई भी किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ठीक है और अपने डाउट क्लियर करें ठीक अगर आपको इस कंप इस पी इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें जो आपको टेलीग्राम आपको गिवन है अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए राइट अगर आपको वीडियोस चाहिए मेरे यूट्यूब वीडियो की वीडियोस और नहीं चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू